नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में कल होगी पेरेंट्स की पूजा। जी हां, आपने सही सुना, कल पेरेंट्स की पूजा होगी। शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने बयान दिया और कहा कि 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाएंगे, बच्चों में संस्कार आए, बच्चों में हमारी संस्कृति की महक आए, इसके लिए निर्देश जारी किया गया है। सभी स्कूलों में बच्चों के माता पिता को बुलाकर मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वैसे तो आप सब जानते हैं कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ब्रजमोहन अग्रवाल जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उनके तरफ से ऐलान किया गया है और कहा कि बच्चे अपनी संस्कृति से जुड़े रहे, अपने माता पिता से जुड़े रहें, इसीलिए कल स्कूल में पेरेंट्स की पूजा होगी और 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में जाना जाएगा, मनाया जाएगा। राज्य में यह बड़ा ऐलान किया गया है शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल की तरफ से। 14 फरवरी बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी को हमारे वेद पुराण शास्त्र अध्यात्म सब में माना जाता है कि यह ऋतु परिवर्तन का दिन है और इस दिन माँ सरस्वती की आराधना की जाती है और इसलिए हमने तय किया है कि माँ सरस्वती के पूजन के साथ साथ बच्चों में संस्कार आए, बच्चों में हमारी संस्कृति की महक आए, इसके लिए हमने निर्देश जारी किया है कि सभी स्कूलों में बच्चों के माता पिता को बुलाकर और मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में भी इस दिन को मनाया जाए। मेगावाट सिकासार जल विद्युत गृह गरियाबंद से साथ में आकाश शुक्ला संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। आकाश, बसंत पंचमी का वो खास दिन जब माता सरस्वती की पूजा की जाती है, लेकिन इस बार ब्रजमोहन अग्रवाल शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया है कि माता पिता से बच्चे जुड़े रहें, इसलिए मातृ पितृ दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाएगा। और क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से, कैसे मनाया जाएगा इस दिन को? देखिए, बसंत पंचमी के अवसर पर जो माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है, स्कूलों में विशेष पूजा होती थी, ऐसे में इस दिन को खास बनाने के लिए बच्चों में संस्कार आए और वो माता पिता के प्रति सम्मान हो, एक जुड़ाव हो, इस उद्देश्य से ही सभी स्कूलों में इस तरीके से आयोजन किया जा रहा है। शासन के निर्देश के अनुसार सभी स्कूलों में मातृ पितृ दिवस मनाया जाएगा, पूजा किया जाएगा और बच्चों को एक मैसेज देने का प्रयास किया जाएगा। बता दें, जो पाश्चात्य संस्कृति की हम जिस तरीके से बात करते हैं वैलेंटाइन डे, कहीं ना कहीं युवा एक दूसरे रास्ते पर भटकते हुए नजर आते हैं, ऐसे में शासन का ये भी उद्देश्य है कि ऐसे भटके हुए युवाओं को भी एक रास्ता दिखाने का काम करेगा। सीधे तौर पर सनातन संस्कृति से वो जुड़ेंगे और अपने संस्कृति को जानेंगे। उद्देश्य यही है कि मातृ पितृ दिवस मनाया जा रहा है, पूजा अर्चना माता पिता की जाएगी, माँ सरस्वती की पूजा अर्चना का आयोजन स्कूलों में किया जाएगा। जी बिल्कुल, और मातृ पितृ दिवस के रूप में इसे मनाया जाएगा। क्या स्कूलों को इसकी जानकारी दे दी गई है और जो अभ्यर्थी हैं, इसके अलावा जो बच्चे पढ़ते हैं, क्या उनको इस बात की जानकारी दे दी गई है? जी बिल्कुल, ये तैयारियां पहले से थी। जो मंत्री हैं ब्रजमोहन अग्रवाल, उन्होंने निर्देश दे दिए थे स्कूल शिक्षा मंत्री ने कि सभी स्कूलों में आयोजन किया जाए, इसके लिए सभी स्कूलों को शासन की तरफ से निर्देश जारी किया गया है और उस दिन पूजा अर्चना के लिए कहा गया है। बता दें कि बसंत पंचमी के दिन वैसे भी माँ सरस्वती की पूजा स्कूलों में होती है, ऐसे में उसको भव्य तरीके से पूजा अर्चना करने के लिए एक निर्देश जारी हुआ है जिसके तहत स्कूल प्रबंधन आयोजन करेगा, उनके माता पिताओं को बुलाया जाएगा, संस्कृति के बारे में भी बताया जाएगा और सनातन से जुड़ने का एक तरीके से प्रयास किया जाएगा बच्चों को। जी बहुत शुक्रिया आकाश, जानकारी साझा करने के लिए। तो मातृ पितृ दिवस के रूप में 14 फरवरी का दिन मनाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे खबरों में। विधानसभा में वीआईपी रोड पर गोली चलने का मामला सामने आया, जहां धर्मलाल कौशिक ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि रायपुर के बार क्लबों में गोलियां चल रही हैं, शराब के नशे में युवा नाच रहे हैं, बिलासपुर में भी ऐसा ही माहौल है, इस पर लगाम लगनी चाहिए। वहीं सदन में अजय चंद्राकर ने कहा कि ये बड़ा दिलचस्प है कि
क्वांटिफाइबल डाटा आयोग बनाया गया है, उसके कथित रिपोर्ट पर 200 बिल पेश हो गए, विधानसभा में बिल पारित नहीं हुआ है और विधानसभा के रिकॉर्ड में पहली बार अशासकीय संकल्प आ गया। क्वांटिफिएबल डाटा आयोग की रिपोर्ट को या अनुशंसा या निष्कर्ष, जो शब्द आपको अच्छा लगे उसे सार्वजनिक करेंगे क्या? वहीं विधानसभा में प्रदेश में बढ़ते अपराध, कुनकुरी पुल निर्माण में देरी सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। आईपी रोड में जो लगातार घटनाएं घट रही हैं, युवा है, युवतियां हैं जो डांस कर रही हैं, रात भर बार खुली जा रही है और जिस प्रकार से उसमें गोली चलाई जा रही, घटना घट रही है, ये बेहद ही चिंताजनक विषय है और इसको मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लाया गया और लाने के बाद में हमने आग्रह किया है कि जो टाइम है उस टाइम अवधि के बाद में ये बारें बंद होनी चाहिए, दुकानें बंद हो जानी चाहिए। कि जो राजस्व 21 में आता था 22-23 में वो राजस्व कम हो गया, मतलब कोई सरकार में बैठे हुए लोग मुख्यमंत्री सहित पब्लिक एक्सटेकर को नुकसान पहुंचाकर और अपना व्यक्तिगत फायदा करें। मैं सोचता हूं ये तो छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ में धोखा है, विश्वासघात है और ये छत्तीसगढ़ के खजाने की चोरी और उसमें डकैती है। छत्तीसगढ़ में आधार से जोड़े जाएंगे राशन कार्ड, बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश में राशन कार्ड की संख्या का सवाल उठा था, बीजेपी विधायक मोतीलाल साहू ने यह सवाल उठाया था। राजेश मूणत ने पूछा क्या राशन कार्ड आधार से लिंक होंगे, विभागीय मंत्री दयादास बघेल ने कहा राशन कार्ड आधार से लिंक किए जाएंगे। और अब खबर अंबिकापुर से आ रही है, जहां अंबिकापुर में आगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा कैंसिल हो चुकी है। राहुल गांधी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, खड़गे के साथ विशेष विमान से वो रवाना हुए हैं। हालांकि यहां पर भी पहुंचनी थी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, लेकिन बीच में ही कैंसिल कर दिया गया है और अभी खड़गे के साथ विशेष विमान से वो रवाना हो गए हैं। श्रवण महंत संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, क्या जानकारी आपके पास, आखिर इसे कैंसिल क्यों किया गया? जानकारी ये मिल रही है कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं और इसी आंदोलन को देखते हुए जो कांग्रेस है उसके बड़े पदाधिकारी और राहुल गांधी स्वयं उस आंदोलन को समर्थन देने वहां जाने वाले थे। हालांकि अंबिकापुर में जिस तरह से सभा हुआ और सभा होने के बाद उनको अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के रूप में उनको आगे बढ़ना था। अब जिंगू में उनका प्रवास, आज रात्रि विश्राम था, हजारों सैकड़ों जो लोग थे वो उनका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उनका जो न्याय यात्रा कैंसिल हुआ उससे जो लोग हैं उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको तो नाराजगी है। साथ में उनके जिस तरह से कैंसिल हुआ है लोग भी खासा इंतजार कर रहे थे कि कब आएंगे राहुल गांधी, उनकी एक झलक पाएंगे, उनकी बातों को सुनेंगे। लेकिन यहाँ से अंबिकापुर से फिलहाल तो अभी जो न्याय यात्रा है उसको कैंसिल कर दिया गया है। ये बताया जा रहा है कि आगे कब बढ़ेगा ये न्याय यात्रा, ये अभी किसी भी जो जनप्रतिनिधि हैं वो नहीं बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया श्रवण जानकारी साझा करने के लिए। सुकमा में नक्सलियों ने चारों युवकों को छोड़ दिया है जिन्हें उन्होंने अगवा किया था। रिहा हुए युवकों ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि जेसीबी अभी भी नक्सलियों के पास है। रविवार को नक्सलियों ने सुकमा जिले के जरगुंडा थाना क्षेत्र के टेकलगुड़ा गांव, जहां काम कर रहे थे चार, दो मजदूर और दो ठेकेदारों को अपने साथ ले गए और आज सुबह 8 बजे उन्हें रिहा कर दिया गया। और इस वक्त मेरे साथ में है चारों लोगों से बात करते हैं कि आखिरकार नक्सलियों ने उनके साथ में क्या व्यवहार किया और किन चीजों को उनको परेशानी हुई है। क्या नाम है आपका? शेख निजाम। तो आपको कितना समय नक्सली ले गए और कहाँ से ले गए? 1 से 2 बजे के भीतर लेके गए। कहाँ से ले गए आपको? टेकलगुड़ा से। वहाँ क्या काम करने गए थे आप? नल जल योजना। तो काम आपका था या फिर आपने अपने साड़ो भाई का था? तो आज कितना बजे कैसे नक्सली आए, मतलब ग्रामीण थे या हथियारबंद थे या फिर कैसे? नहीं, मतलब ऐसे ही आए थे, नॉर्मल जैसा लोग रहते हैं वैसे ही आए थे, गाँव वालों के जैसे ही आए थे। 20-25 लोग आए थे, आने के बाद तुरंत फिर मोबाइल वोबाइल ले लिए सबसे पहले और लेके चले गए। कहाँ कहाँ आपको रखा गया, कैसे आपको लेके गए, आंखों में पट्टी बांधे या फिर? नहीं, पट्टी तो नहीं बांधे,
बस थोड़ी दूर ले गए, उसके बाद दिन ढलने का इंतजार किए, उसके बाद रात रात ले गए। तो फिर आपको क्या भूले नक्सली लेके गए साथ में? तो कुछ नहीं, मतलब इतने दिन से कहाँ थे, अब कैंप बैठा है तो उसके बाद ही क्या गवर्नमेंट को हमारी गांव की याद आई है, इससे पहले कहाँ थे ये योजना लाने वाले, इससे पहले तो नहीं था। तो तुम लोग बगैर मिले, बगैर अनुमति लिए कैसे आ गए? आपको छोड़ा गया तब क्या जन अदालत लगाए थे या फिर ऐसे ही छोड़ दिया गया? नहीं, ऐसे छोड़ दिए थे। और आपके साथ में जेसीबी भी थी, वो कहाँ है? वो अभी उन्हीं के पास उन्हीं के पास में। और कुछ चेतावनी वार्निंग दी कि दोबारा काम चालू नहीं करना इस टाइप का कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो जेसीबी के लिए जो है ना, तो बाद में बात करेंगे, 15-20 दिन के बाद बात करेंगे, उसके बाद छोड़ेंगे सब बोल रहे थे। ये थे बता रहे थे कि किस तरह से नक्सली जो है इन्हें अगवा किया, उसके बाद इन्हें कहाँ रखा इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये बता रहे हैं कि रात भर नक्सली इनको चलाते थे और जेसीबी अभी भी माओवादियों के पास में है। सभी चांडक, न्यूज 18 सुकमा। और अब खबर जांजगीर चांपा से, जहां महानदी पावर प्लांट के सामने आंदोलन तीसरे दिन भी जारी है। भू विस्थापितियों ने घेराव कर दिया है। 23 सूत्रीय मांग पूरा नहीं होने तक इसी तरह गुस्सा और घेराव जारी रहेगा, ये मजदूर और किसानों का कहना है। प्लांट के मेन गेट पर ताला लगा दिया गया है। प्लांट में मजदूरों के आने जाने पर रोक लगाई गई है और बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। जगदलपुर में एनआरआई की सर्किट हाउस में मौत का मामला सामने आया, जहां एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। कमरे में दिल की बीमारी से संबंधित दवाइयां भी मिली है। कल से ठहरे हुए थे जगदलपुर के सर्किट हाउस में गुजरात के रहने वाले अनिल पटेल। फिलहाल यूके के निवासी हैं अनिल पटेल। महुआ प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना को लेकर यहां आए थे, बस्तर आए थे, लेकिन अचानक से उनकी मौत का मामला सामने आया। और अब खबर बिलासपुर से है, जहां पीएम आवास में धर्म विशेष के लोगों का कब्जा देखने को मिल रहा है। कब्जा कर दरबार बना दिया गया है। दरबार में झाड़ फूंक का खेल चल रहा है। लव जिहाद का मामला भी यहां से सामने आ चुका है। जो अब वो अवैध दिख रहा है कब्जाधारी, उसने मकान के साथ साथ सामने और पीछे बगल की ज़मीन पे बेजा कब्जा करके मस्जिद नुमा कुछ स्ट्रक्चर बनाया है। इसकी विस्तृत जांच करके कार्रवाई करना है तोड़ने के लिए। यहाँ पे जो भी आते हैं सबकी मनोकामना पूरी होती है और हर धर्म के लोग आते हैं, सबकी सारी तकलीफ सारी परेशानी दूर होती है और निःशुल्क इलाज है। मजार उजार बना लिए हैं और सब अवैध कब्जा है ना, किसी के नाम पर अलॉट नहीं है। मैं इससे पूर्व वहाँ के लिए RTI भी लगाया हुआ था, जिसका जवाब अपने को नहीं आया। अभी अपन फिर तैयारी कर रहे हैं वहाँ के लिए RTI लगाने के लिए, और वहाँ टोटल अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, हिंदुओं को बरगलाया जा रहा है। उन लोग आके अपना कब्जा कर लिया, उनको भगा दिया है मारपीट करके, धमकी देके अपने अंडर में ले लिए रूम को पूरा, और अलग अलग हजार हजार भी बना लिए हैं। आए दिन वहाँ लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है, लड़की छेड़छाड़ मारपीट जुआ सट्टा सब वहीं हो रहा है सब। उमेश मौर्य संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। उमेश, पीएम आवास में इस तरह का खेल चल रहा है, यहां पर पहले भी शिकायतें सामने आई थी धर्मांतरण को लेकर, लव जहाद को लेकर, और अब इस बार भी फिर से ऐसी शिकायतें आ रही हैं। क्या जानकारी आपके पास, क्या एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, ये बिलासपुर शहर से लगा हुआ मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के देवरी खुर्द का पूरा मामला है। यहाँ पर 2013 में 400 अटल आवास जो है वो लोगों को आवंटित किए गए थे, लेकिन आप देखेंगे कि धीरे धीरे इस अटल आवास में 125 लोगों के बाहरी लोगों के आमद हो चुकी है। यहाँ पर कब्जा करके वो अवैध रूप से रह रहे हैं। इतना ही नहीं, ये कब्जाधारी इतने बेखौफ होकर यहाँ पर जो अटल आवास का स्ट्रक्चर है उसको भी बदल दिया है। आप देखेंगे कि किस तरीके से एक मस्जिदनुमा आकार देकर गुंबद बनाकर वहाँ पर झाड़ फूंक जैसी गतिविधियाँ जो है वो की जा रही है। रूहानी और जिस्मानी जो समस्याएं हैं उसको दूर करने का वहाँ पर खेल चल रहा है। इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने शिकायत भी की। उनका ये कहना था कि यहाँ पर बाहरी लोगों के भी आमद है, यहाँ तक के बांग्लादेशी और के लोग जो हैं वो यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, असामाजिक गतिविधियाँ जो हैं वो यहाँ पर संचालित हो रही है। इतना ही नहीं, बीते दिनों 13 साल की एक बच्ची को लव जिहाद का भी मामला सामने आया, जिसमें 13 साल की बच्ची को एक इमरान नामक युवक जो है यूपी भगा कर ले गया था। हालांकि बच्ची को हिंदू विश्व संगठन और पुलिस के द्वारा तो
वो बरामद कर लिया गया था, लेकिन अभी भी जो आरोपी है वो फरार है। तो कुल मिलाकर अगर हम देवरी खुर्द की बात करें तो देवरी खुर्द में कुछ दिनों से असामाजिक गतिविधियां चल रही है, बाहरी लोगों के आमद वहां पर देखी जा रही है और कई ऐसे आपराधिक मामले भी निकल कर सामने आए। देखना यह होगा कि अब इस पूरी खबर को दिखाए जाने के बाद क्या कुछ एक्शन लेता है, जो वहां पर लगातार यही बड़ा सवाल है। उमेश, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो अभी भी इंतजार है कि एक्शन कब लिया जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे। खनन का खेल, सिस्टम फेल। लालच का शिकार चंबल और पार्वती। माफिया के आगे प्रशासन का सरेंडर। खनन माफिया पर बड़ा खुलासा।